रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, ये बात हमको थियोरेटिकली पता है, प्रैक्टिकली समझते कैसे हैं? एक रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, उसको समझाना, उसको समझना। हम ये नहीं करते हैं, जब भी लड़ाई होती है हम समझाने की कोशिश नहीं करते हैं, अपने पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हैं, अपने आप को सही दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं, सामने वाला भी तो यही कर रहा है। तो अगर उसको हमने समझा तो क्या हम गलत प्रूव नहीं हो जाएंगे? तो क्या हम गलत प्रूव होने के लिए तैयार हैं? तो हम अंडरस्टैंडिंग के लिए तैयार नहीं है। समझे? अंडरस्टैंडिंग मींस राइजिंग अबव राइट एंड रॉन्ग, दैट इज रियल अंडरस्टैंडिंग। जैसे कोई साइंटिस्ट है, किसी चीज को समझ रहा है तो उसको सही लगता है, किसी और को गलत लगता है, कोई थ्योरी है, तो अगर वो पहले से ही ये सोच करके उसको समझेगा कि मुझे जो लगता है वो सही है, तो क्या वो कुछ भी नया डिस्कवर कर पाएगा? वो समझ पाएगा उसको? कब समझेगा? जब वो सही और गलत को छोड़ करके आराम से उसको देखे, यानी जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना जो ओपिनियन है, उसको छोड़ करके आराम से सिचुएशन को समझे, रियलिटी को समझे, एक्चुअल में जो हो रहा है उसको समझे। यानी कि जो सामने वाला पर्सन हमारे साथ में है उसके बेसिक नेचर को अच्छे से समझ जाना, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। उसके नेचर को अगर हम अच्छे से समझ जाएं कि अगर ये किया तो वहां से सामने से रिएक्शन आएगा ही आएगा, तो उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आपने क्या कॉल लिया, ये क्यों उंगली करनी है बेकार में? अगर इतनी सी बात हमको समझ आ जाए तो क्या हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है? नहीं हो सकती है। ये हम कब समझ सकते हैं? जब हम खुद को भी पूरी तरह से समझ जाए कि हम एक्चुअल में क्या हैं। अगर ये हम समझ सकते हैं तो ये समझने में हमको देर नहीं लगेगी कि हम में और उनमें कोई फर्क ही नहीं है। ऊपर ऊपर लेवल पे थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, बट डीपली देयर इज नो डिफरेंस। ऐसे ही मैं नौटंकी, ऐसे ही वो नौटंकी। ये बड़ी जल्दी क्लियर हो जाती है सारी की सारी चीजें। तो वहां से आपको पता लग जाता है व्हाट इज राइट एक्शन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जब भी आप एक्ट करोगे एक रिलेशनशिप में, इन 99.99% ऑफ द केसेस इट्स गोइंग टू बी राइट एक्शन।